डिफरेंट कैंप के लोग भी है, मुठी भूटा नगर और परखू और ये टीआरटी नगरोटा, ये इसके लिए आज बुलाई गई हुई है कि सरकार ने जो ये आर्डर निकाला है कि बिजली बिल भरो, जबकि हमारा राशन कार्ड आरजी है, जबकि हमारा जो क्वार्टर है वो भी आरजी है, हमारा कोई हम भी आरजी है। मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेंटेन भी आप ही करते हो, सस्टेन भी आप करते हो, बिल किस चीज, बिल किसको देना है? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम नरेंद्र जी मोदी से अपील करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमें गर्व है कि आप प्राइम मिनिस्टर है। इतने मुट्ठी भर के लोगों के लिए रिहैबिलिटेट ना कर सके, क्योंकि हम भारत माता की जय जय करने वाले हैं, भारत माता को जय जय करने वालों को घर से बेघर कर दिया। न कोई एथिक्स, न इतिहास, न संस्कृति, न वो किंग खोज, जिसको कश्मीरी में बोलते किंग खोज, अवर कल्चरल वैल्यूज हैव बीन स्मैश्ड। मैं भारत सरकार से बोलना चाहता हूँ, दिस इज ऑनली एडमिनिस्ट्रेशन हु हैज हेल्पड दिस कम्युनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स टू पैड अ लाइफ ऑफ प्रोफेशनल प्रोपोगेसी डिबॉचरी एंड डिपर्टी, बिकॉज वी आर इंडियन फर्स्ट, इंडियन इज लास्ट। हम भारत सरकार के हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हमारे माथे पे मोहर लगी है कि हम हिंदुस्तानी है। अगर यही गुनाह है हमें तो हमें बोल दीजिएगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं, आप एक कंक्रीट पॉलिसी लेके आ जाए, यदि आपकी पॉलिसी हमारे लिए ठीक होगी, हम आपके साथ, क्योंकि हम सारे कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट्स क्वालिफाइड है। तो मैं पैरेलाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो मैं पैरेलाल बैठता हूं। आज भारतीय माइग्रेंट एक्शन कमेटी जो बिजली का डेकोरिन ऑर्डर के बाद जो हम पर थोपा गया है, उसके बाद जो हमने तमाम कैंपों से ऑल पार्टी माइग्रेंट एक्शन कमेटी कैंप्स बनाई और हमने जदोजहद की पिछले 20 दिन से, और उसके जमन में हमने एक संडे को, पिछले संडे को प्रोटेस्ट भी रखा, और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विद रेफरेंस 19/4/12/18 को होम डिपार्टमेंट लिख कर दे रहा है कि हम सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर से बिजली का फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे अखराजात सस्टेन हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर। स्टेडियम को पहले हमारे साथ बात करनी चाहिए थी और गवर्नमेंट के साथ बात करनी चाहिए थी दोबारा, क्योंकि 32 साल हमने कोई बिजली फीस नहीं भरा, और 32 साल से हमारी जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त करता रहा है। और आज कहां से 4.5 साल के बाद 2018 में होम डिपार्टमेंट रिफ्यूज कर रहे हैं फंड्स का, और ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है कि अप्रैल 23 में हुशार हो गई 4.5 साल के बाद इस चिट्ठी को? अगर ये माइग्रेंट कम्युनिटी के साथ जिद या और क्या है, 4.5 साल के बाद ये चिट्ठी उस टेबल से निकली रेवेन्यू सेक्रेटरी से कि भाई बिलिंग